हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? देखिए, साउथ कोरिया कीन ऑन ज्वाइनिंग क्वाड, ऐसा बोला जा रहा है. ऐसा उनके इनवॉय चांग जे बोक ने बोला है. तो यही है चांग जे बोक. देखिए, तो देखते हैं क्या बात हुई है. साउथ कोरिया इज कीन ऑन ज्वाइनिंग द क्वाड एंड द बॉल इज नाउ इन द ग्रुपिंग कोर्ट टू डिसाइड ऑन एक्सपेंशन. चांग जे बोक, जो साउथ कोरियन इन्वॉय है इंडिया, ट्यूजडे को ये बात बोली है कि हमें ज्वाइन कराओ. तो अब ग्रुपिंग के ऊपर डिपेंड करता है. ऑन द बायलेटरल फ्रंट ही सेड इंडिया एंड साउथ कोरिया वर नेगोशिएटिंग एक्सपेंशन ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट एंड हैड सो फार हेल्ड 10 राउंड्स ऑफ डिस्कशन, बट देर वर लॉट्स ऑफ अनरिजॉल्व इशू. ही सेड दैट आफ्टर द बायलेटरल मीटिंग बिटवीन द टू लीडर्स ऑन द साइडलाइन ऑफ G20 समिट, देर वॉज सम मोमेंटम. Ease of doing business. On ease of doing business, the envoy in a press interaction said, "We wish Indian authorities would work harder to make the business environment more friendly to Korean business." He said South Korean President Yoon Suk Yeol raised the issue for more friendly condition and doing business in India during the bilateral meeting with Prime Minister Narendra Modi. "We hope India will respond positively," he said. Elaborating on negotiation and upgraded CEPA, मतलब Comprehensive Economic Partnership Agreement, Mr. Chang said that CEPA was agreed in 2009 and became effective from 2010. 5 or 6 years later, both sides realized that it needs to be upgraded. From 2016 to 2017, there were negotiations which were stopped during the pandemic. We have had 10 rounds of upgradation negotiation between Ministry of Commerce of Korea and Ministry of Trade in India. We still have a lot of issues unresolved. Now, with the discussion between the leaders, we have some momentum to go on. I hope, as the ambassador, further negotiation will be coming up and will be able to sort out outstanding issues. तो इन ये बहुत पॉजिटिव है इस चीज़ को लेकर के. कह रहे हैं भाई, इशू जो है हमारा जो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है वो सॉर्ट आउट करेगा करेगा इंडिया और कोरिया मिल करके. तो और क्या है, ऑन द दिल्ली डिक्लेरेशन एट द G20 समिट एंड द कॉम्प्रोमाइज ओवर द लैंग्वेज ऑन रशिया, ही सेड इंडिया एंड चाइना वर मेंबर ऑफ G20, देर हैज़ टू बी सम कॉम्प्रोमाइज. तो इन्होंने माना इस बात को, भाई कॉम्प्रोमाइज तो होना ही चाहिए, मतलब होना चाहिए नहीं पर होना ही, करना ही पड़ेगा, क्योंकि इंडिया चाइना जब दोनों लोग वहाँ पर है तो कॉम्प्रोमाइज़ तो बनता ही है. तो वही बात हो रही है. चलिए देखते हैं इस आर्टिकल में हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है. सबसे पहले साउथ कोरिया अपने लिए इम्पोर्टेंट होता है. आपको इसका लोकेशन पता चलना चाहिए, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू चाइना, विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया एंड साउथ चाइना सी. तो हमारे लिए ये एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर हो सकता है साउथ चाइना सी में. तो ये हम एक चीज़ देखेंगे. दूसरा, हमारे लिए CEPA क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये क्या है ये हमें पता होना चाहिए. और दूसरा कि पहले भी CEPA हो चुका है, अब बात हो रही है अपग्रेड करने की. ठीक है, पेंडेमिक की वजह से बात रुक गई थी तो अब अपग्रेड करने की बात हो रही है. थर्ड, क्वाड, क्वाड कौन कौन है और साउथ कोरिया इसको ज्वाइन करना चाहता है, उससे इंडिया के लिए क्या है वो पॉजिटिव नेगेटिव्स. तो पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स फॉर इंडिया इफ साउथ कोरिया ज्वाइन क्वाड, ये अपने को देखना पड़ेगा, नेट पे सर्च करना पड़ेगा. एंड अगर आपको इन सारी चीज़ों के ऊपर नोट्स चाहिए या स्पेशल वीडियो चाहिए अलग से कि मैं आपको जो इशू यहाँ पे बताता हूँ उसके ऊपर समझा भी दूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए. अगर आपको सर्च नहीं करना है आप मुझको कमेंट बॉक्स में बताइए. देखिए, कोई भी आर्टिकल में हमें ये सब नहीं जानना, डेट वेट हमें नहीं जरूरत होती है. ये इतनी चीज़ें हमने एक्सट्रैक्ट कर ली, अब ये जान लेना है हमारे लिए बस इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है. सो थैंक यू गाइज एंड प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम.